हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम मध्य प्रदेश का भूगोल से संबंधित जो हमारी यूनिट नंबर 4 है उसकी चर्चा करने वाले हैं, एमपी ज्योग्राफी की चर्चा करने वाले हैं। तो आज की ये जो हमारी क्लास है वह बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। विन आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से मैं कृष्णा कुशवाहा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हम एमपी की ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। ये हमारा जो लेक्चर है ये एमपी की ज्योग्राफी से संबंधित जो हमारी यूनिट है इसका कंप्लीट एक एनालिसिस करने वाला होगा। तो विन आईएएस आप सभी को एक सुनहरा अवसर दे रहा है कि आप इस पूरे के पूरे टॉपिक का एक होल एनालिसिस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे ये टॉपिक को सारे इस टॉपिक से संबंधित सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं और जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो बाद में आपकी क्वेरी को भी मैं कहीं ना कहीं उसका भी समाधान कर सकूं। ठीक है, तो आइए हम मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें जो हमारे सिलेबस में MPPSC ने जोड़ी हुई हैं उसमें से संबंधित पहला जो टॉपिक होने वाला है मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल डिवीज़न या हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, इसको ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीज़न या ज्योग्राफिकल वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश को तो हम बहुत अच्छे से बहुत फील करके पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को पढ़ने में हमें जितना मज़ा आता है बाकी किसी सब्जेक्ट में इतना मज़ा नहीं आता है। तो पॉइंट्स हमारा शुरुआत का है, अगर सिलेबस को हम देखेंगे तो सिलेबस से हमें पता चल जाता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो मध्य प्रदेश की भूगोल में हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या हम कहें फिजिकल डिवीज़न ऑफ MP, ये हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। तो इसमें हम फिजिकल डिवीज़न ऑफ MP बेसिकली देखने वाले हैं। तो आइए मध्य प्रदेश से संबंधित फिजिकल डिवीज़न किस तरीके से होता है या मध्य प्रदेश में मूल रूप से कौन कौन से पार्ट हैं जो मध्य प्रदेश को कुछ भागों में डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम मध्य प्रदेश को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीज़न का जो पहला टॉपिक है यही हम यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक मध्य प्रदेश का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फिजिकल डिवीज़न। तो मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीज़न को बेसिकली तीन भागों में या तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है वह है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि इनको हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। मध्य उच्च भूमियों के अंतर्गत कुछ प्लेट्यूज शामिल किए गए हैं। मध्य उच्च भूमियों के अंतर्गत कुछ पठारों को शामिल किया गया है, जैसे कि मालवा का पठार पढ़ना है हमें, हम इसमें दूसरा जो मध्य उच्च भूमियों के अंतर्गत दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मध्य भारत का पठार। तीसरा भाग रहेगा इसमें रीवा पन्ना का पठार। चौथा हम इसमें पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड का पठार।
देन जो हमारा भाग रहेगा वो रहेगा नर्मदा सोन घाटी, तो मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद हमारा जो भाग आने वाला है वो आ गया है, आ जाएगा रीवा पन्ना एंड नर्मदा सोन घाटी। तो यहाँ पर पांच भाग यहाँ पर देखने वाले हैं हम, मालवा, मध्य भारत, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड और नर्मदा सोन घाटी। ये मध्य उच्च भूमियों के अंतर्गत आएगा। इसके बाद दूसरा जो भाग आने वाला है वो भाग क्या है, दूसरा भाग है हमारा सतपुड़ा, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को अगर हम देखें तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत दो भाग शामिल किए जाते हैं। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत दो भाग हैं, एक है इसको चलो अब तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक है पूर्वी सतपुड़ा, सीक्वेंस से बता देता हूँ, तो पहले अपन पश्चिमी सतपुड़ा की बात कर लेंगे, पश्चिमी सतपुड़ा, इसके बाद पूर्वी सतपुड़ा, इसके बाद बात करेंगे हम मेकाल, मेकाल श्रेणी। तो पूर्वी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा को हम राज पीपला के नाम से जानते हैं, राज पीपला श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा को राजपीपला श्रेणी के नाम से जानते हैं। पूर्वी सतपुड़ा की बात करें हम तो पूर्वी सतपुड़ा को हम महादेव श्रेणी कहते हैं, महादेव श्रेणी कहते हैं, इस तरीके का भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। और मेकाल श्रेणी यानी अमरकंटक श्रेणी, इसको एक और नाम अमरकंटक श्रेणी का भी दिया जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी सतपुड़ा यानी राजपीपला श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा यानी महादेव श्रेणी, और मेकाल श्रेणी यानी अमरकंटक श्रेणी भी इसको कह देते हैं। तो इस तरीके से हम मध्य उच्च भूमियों में पांच पठारों की बात करेंगे, पांच प्लेट्यूब्स की बात कर लेंगे। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत हम पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मेकाल श्रेणी की बात करेंगे। देन तीसरा इसका पार्ट आने वाला है वो आएगा पूर्वी पठार। नेक्स्ट इसका जो भाग है वो है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के अंतर्गत हम जो देखने वाले हैं वो है बुंदेलखंड का पठार, सॉरी बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार इसमें हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा बेटा क्या क्या चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, फिजिकल डिवीजन किया हुआ है, तीन भाग हैं मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के। कौन कौन से भाग हैं? मध्य उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड्स से, जिसके अंतर्गत मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, मध्य भारत का पठार, इसके बाद रीवा पन्ना प्लेट्यू है, फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू है और नर्मदा सोन की घाटी है, वैली ऑफ नर्मदा एंड सोन रिवर। इसके अलावा दूसरा भाग है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा और मेकाल रेंज की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, पहला पश्चिमी
पश्चिमी सतपुड़ा है, दूसरा पूर्वी सतपुड़ा है और फिर मेकाल श्रेणी है। इनको राजपीपला, महादेव और अमरकंटक के नाम से भी जाना जाता है। देन हम बात कर लेंगे पूर्वी सतपुड़ा की। पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत बघेलखंड का पठार, ये इसका मेन भाग है। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम से भी देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसी चीज़ को हम जब डायग्राम से देखेंगे तो यहाँ पर आप डायग्राम से भी इसको मैं क्लासीफाई कर देता हूँ। अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो हमारा फर्स्ट जो भाग आता है वो आ जाएगा इसको हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। ये हमारा बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। फिर यहीं से ये हमारा हो जाएगा मध्य भारत का पठार। इसके बाद ये हो जाएगी नर्मदा, सोन घाटी, देन रीवा पन्ना का पठार, ये मालवा का पठार, और इसके बाद ये है बघेलखंड का पठार। और ये है सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, डायग्राम से भी मैंने इसको क्लासिफाई किया है। अगर इस डायग्राम को अच्छे से आप देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। पहला जो भाग है मालवा का पठार, यहाँ पर हम देख ही रहे हैं, ये पूरा का पूरा मालवा का पठार है जो मैंने अलग अलग पॉइंट से इसको शो किया हुआ है। ये मालवा का पठार है। ठीक है, ये पूरा मालवा का पठार है। इसके बाद दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा जो भाग है ये मध्य भारत का पठार है। यहाँ पर मध्य भारत का पठार हो जाता है। इतना ये भाग मध्य भारत का है। कुछ यहाँ पर मंदसौर और नीमच के भाग भी यहाँ पर इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। तीसरा भाग जो है हमारा वो है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड प्लेट्यू वाला पार्ट इसको देखेंगे हम। ठीक है, अलग से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाउंड्री क्लियर रहे। इसके बाद नेक्स्ट जो भाग है वो है रीवा पन्ना, ये वाला भाग रीवा पन्ना का पठार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सतपुड़ा मेकाल, ये बिल्कुल अलग हो जाता है, इसको भी आप देख सकते हैं। और बघेलखंड का पठार मध्य वाले भाग में नर्मदा सोन की घाटी है। तो कुल मिलाकर कितने भाग दिखाई दे रहे हैं आपको? यहाँ पर 7 फिजिकल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एमपी के अंतर्गत 7 पार्ट आते हैं। 7 पार्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम गिनेंगे तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा, पांचवा, यानी 5 तो यहाँ पर भौतिक प्रदेश आ जाते हैं। इसके बाद 5 के बाद हो जाएगा कौन सा बेटा? छठवा क्या कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा और मेकाल हो जाएगा। और 7वा क्या हो जाएगा? बघेलखंड का पठार। तो अब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
देखिए, मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट 7 फिजिकल पार्ट्स हैं जिनके माध्यम से हम मध्य प्रदेश को पढ़ा करते हैं। 7 कौन कौन से पार्ट हैं ये मैंने आपको अभी बताए हैं। कुल 7 पार्ट हैं जिनको मध्य प्रदेश में हमें पढ़ना है। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी वर्ष 2001 के आसपास हम देखते हैं, तो वर्ष 2001 में, मतलब 2000 के पहले की बात करूं अगर मैं, तो वर्ष 2000 के पहले जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल था, तो इस वर्ष 2000 तक तो हमारे पास, जब तक छत्तीसगढ़ था तब तक लगभग कितने, उन 9 प्रकार के फिजिकल पार्ट हुआ करते थे, भौतिक प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन 2000 में जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया और राज्य का पुनर्गठन हुआ, तो 2000 के बाद की स्थिति क्या है? 2000 बाद की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद अब केवल 7 भौतिक प्रदेश ही शेष रह गए हैं। तो ध्यान रखना है, 9 पहले थे, वर्तमान में 7 रह गए हैं। अब आप कहोगे सर 2 कौन से हैं वो जो 7 के बाद आया करते थे? तो 2 भौतिक प्रदेश में एक तो महानदी का वेशन आया करता था जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको अपन छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आया करता था दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य प्लेट्यू आया करता था। यानी कुल मिला के 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में चले गए, बाकी के क्षेत्र कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश के भौतिक भाग बन गए। तो मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट कितने भौतिक भाग हैं? केवल 7 भौतिक भाग हैं। आज़ादी के, सॉरी, क्या बोलते हैं, विभाजन के पहले कितने हुआ करते थे? विभाजन के पहले हुआ करते थे 9। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, तुम यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ठीक है, तो इसमें हमने मुख्य तौर पर ये बात समझी। अब बेटा एक चीज़ और समझ में आती है हमें कि अगर हम एक एक करके ये फिजिकल डिवीज़न पढ़ेंगे तो हम आसानी से मध्य प्रदेश को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम से इसको समझना है हमें, किससे समझना है? डायग्राम से समझना है। ठीक है, तो डायग्राम से जब हम समझेंगे तो ये पूरे के पूरे 7 रीजन्स हमें समझ में आते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हमें समझ में आता है। अब हम एक एक करके उस आधार पर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भौतिक भागों में कौन कौन से भाग शामिल होते हैं, तो उनकी क्षेत्रफल के आधार पर भी बात करेंगे और बाकी अन्य आधारों पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है, तो आप खुद बताइए कौन सा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भौतिक विभाग यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा बेटा? मालवा का पठार। बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भाग है और ये समस्त मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28.6% भाग है। कितना है? 28.6% भाग है। तो हम बात कर लेते हैं मालवा के पठार की। ठीक है बेटा, मालवा के पठार की हम बात कर रहे हैं। तो मालवा के पठार के अंतर्गत अगर हम देखें तो देखिएगा, इसको पढ़ने का थोड़ा सा अलग तरीका है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने में हमें बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। मालवा के पठार का हम पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे, एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाएंगे ना, तो इसको हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। एक एक करके जब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या होगा? तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं, मालवा के पठार की स्थिति। क्या देख रहे हैं हम? मालवा के पठार की स्थिति देख रहे हैं। ठीक है, ओके, अब इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में देखो। ठीक है, ठीक है, तो मालवा के पठार की हम स्थिति की बात कर रहे हैं। स्थिति में अगर देखें हम, तो आप खुद बताइए बेटा स्थिति क्या है इसमें, मालवा के पठार की स्थिति क्या है? मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम देखेंगे तो मालवा के पठार के उत्तर में देखेंगे तो क्या है ये?
ये मालवा का पठार का उत्तरी भाग है, यानी इसके उत्तर में क्या है, मध्य भारत का पठार है। यानी मालवा के पठार के उत्तर में क्या है, मध्य भारत का पठार है। मालवा के पठार के पूर्व में क्या है, तो इसके पूर्व में रीवा पन्ना का पठार है। मालवा के पठार के पश्चिम में क्या है, तो यहाँ पर एक बेटा श्रेणी है जिसको कहते हैं अरावली। क्या कहते हैं बेटा, अरावली। तो इसके उत्तर पश्चिम में कौन सी श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर अरावली है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है। मालवा के पठार के दक्षिण में नर्मदा सोन की घाटी है। तो इस तरीके से मालवा का जो पठार है, अगर इसको हम इस तरीके से लिखें कि मालवा का पठार, यानी इस पठार के उत्तर में मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, पश्चिम, यानी इसको कहेंगे हम उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी, जबकि पूर्व में रीवा पन्ना एवं उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। बुंदेलखंड का पठार जो है स्थित है। तो ये हमें बताना है मालवा के पठार की अगर हम स्थिति देखें, तो मालवा का पठार, इसके पठार के उत्तर में मध्य भारत का पठार है। दक्षिण में अगर देखेंगे तो दक्षिण में क्या है, नर्मदा सोन की घाटी है। इसके उत्तर पूर्व में क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। इसके पूर्व में क्या है, रीवा पन्ना का पठार है। और उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो पठार है, अलग अलग भौतिक भागों से, अलग अलग फिजिकल जो इसके पार्ट्स हैं उनसे जो है घिरा हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मालवा के पठार की स्थिति के बाद, दूसरा अगर इसमें भाग देखें तो मालवा के पठार का स्थिति के बाद मालवा के पठार का क्षेत्रफल यहाँ पर देखना होगा हमें। मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में समस्त भौतिक भागों में सबसे बड़ा पठार है, या सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है। यानी यह समस्त मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, समस्त एमपी के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 28.6% भाग है। ये याद रखना है आपको, इसका 28.6% भाग, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में ये भाग केवल मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अगर भौतिक विभाग देखें, या भौतिक भाग कौन सा है ऐसा पूछा जाता है, तो वो कौन सा हो जाता है बेटा, मालवा का पठार। ठीक है, पॉइंट वाइज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसानी से याद किया जा सकता है। फिर तीसरा जब देख लेते हैं हम कि चट्टाने कौन सी है, यानी मालवा के पठार में कौन सी चट्टानों ने इसका निर्माण किया है। तो मालवा के पठार में चट्टाने कौन सी हैं, तो मालवा के पठार का जो निर्माण है ये बेटा दक्कन ट्रैप की चट्टानों से मिलकर हुआ है। कौन सी, दक्कन ट्रैप की यहाँ पर चट्टाने यहाँ पर पाई जाती हैं, और दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ है बेसिकली क्रिटेशियस काल में। कौन सा काल है, क्रिटेशियस। ठीक है, तो क्रिटेशियस काल के दौरान हम देखते हैं कि दक्कन ट्रैप की चट्टाने बनी। अब ये जो दक्कन ट्रैप की चट्टाने हैं, ये बेसिकली लावा से निर्मित चट्टाने हैं। किससे निर्मित चट्टाने हैं, लावा से निर्मित चट्टाने हैं। यानी लावा के द्वारा, लावा के
अगर बात करें निक्षेपों से बनी हुई है, लावा से निर्मित है, और लावा से निर्मित है यानी एक प्रकार की बेसाल्ट चट्टाने हैं। कैसी चट्टाने बेटा? बेसाल्ट चट्टाने हैं। लावा कहाँ से आया यहाँ पर? तो हम देखते हैं कि क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी के अनेक प्रकार के केंद्रीय और दरारी उद्भेदन जैसी घटनाएं घटित हुई हैं, और इनके उद्भेदन के दौरान लावा निकला, और लावा के निक्षेपण से हम देखते हैं कि बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो बेसाल्ट रॉक फॉर्म होती है लावा के निक्षेपों से होती है। लावा के ठंडे होने से जो रॉक्स बनती हैं वो कौन सी हैं बेटा? बेसाल्ट रॉक हैं। और बेसाल्ट रॉक एक प्रकार की कौन सी चट्टानें हैं? इनको बाह्य आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो इस पूरे पठार में बाह्य आग्नेय प्रकार की बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती हैं, और ये बेसाल्ट रॉक्स ही ट्रैप्स के फॉर्म में पाई जाती हैं, सीढ़ी नुमा जमाव के फॉर्म में पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? दक्कन ट्रैप्स कह देते हैं। इस तरीके का इनका जमाव होता है, सीढ़ी नुमा इनका जमाव हो जाता है, और यही ट्रैप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ये ट्रैप कहलाते हैं। तो ट्रैप मतलब सीढ़ी नुमा जमाव है, एक के बाद एक के बाद एक जमाव है, लेकिन इनमें लेयर्स नहीं होती। ध्यान रखना, आप कभी भी आग्नेय जो भी चट्टानें होती हैं इनमें कभी भी लेयर्स नहीं पाई जाती, इनमें ट्रैप्स बन जाते हैं। एक के बाद एक जब जमाव होता है तो इनमें ऐसे तरीके के क्या बन जाते हैं? ट्रैप्स बन जाते हैं। इसलिए इनको इनमें ट्रैप्स तो पाए जाते हैं बट लेयर नहीं फाउंड की जा सकती। ठीक है, तो इस तरीके से इनको अपन, चूँकि ये इलाका दक्कन वाला है इसलिए इसको दक्कन ट्रैप कह देते हैं। फिर अपन देख लेते हैं चौथा पार्ट इसका, यह चौथा जो इसकी विशेषता हो जाएगी। तो चट्टानों के बाद चौथा इसमें देख लेते हैं, इसकी ऊंची चोटियां या कौन कौन से पर्वत यहां पर शिखर मौजूद हैं। तो मालवा के पठार में कौन कौन से शिखर या चोटियां स्थित हैं ये बहुत बार पूछा गया है हमसे। तो मालवा के पठार में कौन कौन सी चोटियां आती हैं भैया, यहाँ पर बताना है हमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट भाग, पहली सबसे ऊंची चोटी जो मालवा के पठार में स्थित है वो है कौन सी बेटा? उसको कहते हैं हम सिगार। क्या कहते हैं? सिगार। सिगार मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका अगर हम पीक देखें या जिसकी हम हाइट देखें तो ये लगभग 881 मीटर के आसपास है। फिर इसके बाद दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है मालवा के पठार की वो आती है बेटा जाना पावा। क्या आती है? जाना पावा। ठीक है, देखो सिगार भी मालवा में आती है यानी इंदौर के अंतर्गत आती है। इंदौर लिख देता हूँ मैं, ये इंदौर में स्थित है। ठीक है, जाना पावा महू इंदौर में स्थित है, वही इंदौरी बोल रहा हूँ, ये दोनों वहीं पर स्थित हैं। ठीक है, जाना पावा की हाइट है बेटा 554 मीटर। कितनी है? 554 मीटर। इसके बाद तीसरी जो चोटी आती है वो आती है कौन सी? धजारी। धजारी आती है, धजारी की जो हाइट है वो है 810 मीटर, ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो आती है चौथी चोटी आती है जिसको कहते हैं गोमनपुर। गोमनपुर, गोमनपुर चोटी आती है, इसकी हाइट है 510 मीटर। तो ऐसी चार चोटियां या चार पर्वत शिखर हैं जो मुख्य तौर पर मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट इसकी एक और विशेषता, पांचवी। मालवा के पठार में हमने चोटी देख ली, चट्टाने क्षेत्रफल देख लिया, मालवा के पठार की औसत ऊंचाई है कितनी? जब हम चोटियों की बात कर रहे हैं तो इसकी औसत हाइट हमें पता होना चाहिए। तो औसत ऊंचाई एवं ढाल क्या है? औसत ऊंचाई एवं ढाल क्या है? व्हाट इज़ द एवरेज हाइट एंड स्लोप? तो औसत ऊंचाई और ढाल की बात करेंगे हम, तो औसत ऊंचाई और ढाल देख लेते हैं। तो मालवा के पठार की एवरेज जो हाइट है, औसत जो ऊंचाई है, ये बेटा कितनी है? तो ये लगभग 600 मीटर है। कितनी है? एवरेज हाइट 600 मीटर है। और अगर हम इसका ढाल देखें तो इसका जो ढाल है वो हमें नदियों के आधार पर समझ में आता है। इसका पहला ढाल अगर देखेंगे तो इसका फर्स्ट ढाल हमें दिखता है चंबल उसकी सहायक नदियों से, यानी दक्षिण से पूर्व की ओर ढाल दिखता है। पहला ढाल हमें दक्षिण से पूर्व की ओर इसका दक्षिण से उत्तर, माफ़ कीजिएगा, दक्षिण से
उत्तर की ओर इसका ढाल हमें दिखाई देता है। किससे देख पाते हम? चंबल और उसकी सहायक नदियों से। चंबल और